अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। NACVD की करप्शन के हवाले से हमने हमेशा आपको रिपोर्ट किया, जो नैब में जो ओपन कोर्ट में रिकॉर्ड आया उस रिकॉर्ड की रोशनी में हमने सारी चीज़ें बताई। बहुत सारे लोगों को एतराज़ात हैं कि जो NACVD की करप्शन का इंकशाफ करने वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर तारिक शेख साहब, वो खुद घोष मुलाजिम थे, दोहरी जॉब करते थे, दो जगहों से तनख्वाह लेते थे। इनको मुलाजमत से बरतरफ किया गया और उसके बाद कहा जा रहा है कि उस मुलाजमत से बरतरफ किए जाने के बाद ही इन्होंने नैब से रजू किया था। आज डॉक्टर तारिक शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका खुद अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तासुर ये है NACVD की तरफ से भी ये तासुर है कि आपके खिलाफ जब कार्रवाई की गई तो उसके बाद फिर आप नैब में गए और उसके बाद फिर आपने NACVD का बेड़ा गर्क कर दिया आपने नैब में जाने के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप घोष मुलाजिम थे, दो दो जगहों से तनख्वाह लेते थे और उसके बाद आपके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो फिर आप उसके बाद आपने ये इकदाम उठाया? सर जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। एक्चुअली सर, लोगों को जो मैसेज दिया गया है कि डॉक्टर तारिक अगेंस्ट द NICVD, ये तो बिल्कुल गलत बात है और कभी ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। दूसरी बात है कि रिगार्डिंग दी घोष्ट एम्प्लॉय की और सिंस ज्वाइनिंग, माना इट मींस दे वर अवेयर अबाउट दिस कि आई एम द घोष्ट एम्प्लॉय सिंस ज्वाइनिंग। अब सिंस ज्वाइनिंग 4 साल हो गए, अब मुझे बताएं सिंस ज्वाइनिंग से अगर मैं घोष्ट मुलाजिम था या कुछ भी था तो ना मेरी कोई सैलरी डिटेक्ट हुई, ना मेरी कोई सैलरी स्टॉप हुई फ्रॉम डे वन से अप टू टिल नाउ जब तक इन लोगों ने मुझे टर्मिनेट किया। एक्चुअली सर, ये बात नहीं थी। एक्चुअली शायद दोस्तों को पता नहीं है कि मैं जहाँ से आया था सिंस सेक्रेटरीट का एम्प्लॉय था और वहाँ पर मैं सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी टू मिनिस्टर रहा हूँ और उसके अलावा PSO टू सेक्रेटरीज रहा हूँ, मेनी सेक्रेटरीज, ठीक है ना सर, ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी बात है कि एक हाई कैडर पोजीशन पे रह के बंदा आए और आप उसको कहें कि घोष्ट मुलाजिम है, हाउ इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। एक्चुअली सर, प्रॉब्लम क्या था कि मैं जब आया था सन सेक्रेटरीट से इनिशियली फॉर 2 ईयर्स के लिए आया था कि मुझे इदारा अच्छा लगा, बहुत पब्लिसिटी हो रही थी, मुझे भी खुशी हो रही थी, हाई कैडर पोजीशन में छोड़ के नीचे आया था, इसलिए आया था कि यार मेरी स्किल्स से, सर्विसेज से मैं इस इदारे को देना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि जब मैं इदारे में आया, काम किया और अकॉर्डिंगली आया, थ्रू प्रॉपर चैनल आया, ये नहीं है कि मैं किसी रोटेट से आया था, थ्रू अदर सोर्सेज से आया था, नो, प्रॉपर एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, LIN पे आया था। और जब मैंने वहाँ आया, 1-1.5 साल गुजरा तो मुझे चीज़ें कुछ इरेगुलरिटीज नज़र आई और फिर मैंने अपने इमीडिएट बॉस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नदीम कमर साहब को रिक्वेस्ट की कि बीइंग एज अ स्टाफ ऑफिसर इट्स माय प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्राइज द पोजीशन रिगार्डिंग द इरेगुलरिटीज प्रैक्टिस करप्ट प्रैक्टिसेस इन NICVD और दीज गाइज आर इन्वॉल्व इन दिस, और डेफिनेटली आपका नाम ख़राब होगा, आप इसको रोकें, कुछ करें, ये करें। पर उसने कुछ शायद उस चीज़ को इनिशिएटिव नहीं लिया और कुछ भी नहीं किया। और मैंने देखा कि जब से मैंने बेहतर ये चीज़ मैंने उनको कहा, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे मैनेजमेंट साइड वाले काफ़ी जो हमारे दोस्त थे वो दुश्मन भी बन गए और टाइम टू टाइम परेशान करने लगे। और फाइनली फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी को पहला लेटर लिखा था ड्यूरिंग दी माई पोस्टिंग। ये नहीं है कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर तारिक इनिशिएटिव आफ्टर द टर्मिनेशन वॉच डॉग एजेंसीज को लिखा और बाद में ये सब कार्रवाई की, नो एंड नेवर, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि मैंने जो इनिशिएट लिया था ड्यूरिंग माई पोस्टिंग लिया था, 6 महीने पहले लिया था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, चीफ सेक्रेटरी से मैं मिला भी हूँ और अप्राइज भी किया, ऑफिशियली मैंने लेटर भी लिखा और उसमें लिखा हुआ है कि मैं मुसलसल 4 साल से नदीम कमर को बता रहा हूँ कि ये गलत काम हो रहा है, आप इसको रोके, मगर वहाँ इनिशिएटिव नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर को लिखा, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास ऑफिशियली रिसीविंग है, कोई एक्शन नहीं हुआ। फाइनली ये दुश्मनी बढ़ाते गए, परेशानियाँ मेरे लिए क्रिएट करते रहे, हरास करते रहे, उसके बाद गलत गुमनाम तरीक़ों से ये जो लॉ फोर्स एजेंसीज़ को लिखते गए, पता नहीं क्या क्या किया, वट एवर। उसमें एक चीज़ और सामने आई थी कि कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जब दुश्मनी वाली बात कर रहे हैं कि जब लड़ाइयाँ शुरू हुई थी हमारे इदारे में लोगों से, तो वहाँ पर कुछ जो दोस्त थे बीच के, उन्होंने बिठा कर सुलह सफाई कराई, तमाम लोगों से आपकी सुलह हो गई थी और उसके बाद फिर किसी फोरम पर जाने का जो है ना जाने का फैसला किया था, उसके बाद फिर आपने वो जो वादे किए थे, जो दोस्ती दोबारा बहाल की थी वो तोड़ी, उसके बाद फिर नैब और FIA में जाकर दरख्वास्तें दे दी। मुझे ये बता दें कि दोस्ती टूटती तो नहीं है, दोस्ती चलती रहती है।
अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसको मीटिंग में बैठ के ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप आइंदा ये चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर इन लोगों ने कंप्लेंट्स की, कुछ की, मैंने भी अथॉरिटीज लॉ फोर्स एजेंसी को लिखा कि भाई दिस इज़ एक्चुअल पोजीशन ऑफ दिस सिनेरियो ऑफ दिस स्टोरी, तो फिर इन लोगों पे ऊपर प्रेशर आया और पुलिस इनके आई और प्रेशर दिया कि भाई आप डॉक्टर साहब को हरास न करें, ये न करें। तो इन लोगों ने किसी भी तरह करके मुझे ठंडा करने की कोशिश की। मैंने कहा मैं ठंडा तो हो जाऊँगा मगर करप्शन पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। किस किस्म की करप्शन है? अगर ये करप्शन क्या ज़्यादा तनख्वाहें देने की करप्शन थी? नहीं नहीं नहीं, दिस नॉट अ मैटर ऑफ द इना सैलरी का ज़्यादा लेना। दे आर सो मेनी इररेगुलरिटीज इन अपॉइंटमेंट, इररेगुलरिटी इन प्रोक्योरमेंट, इररेगुलरिटीज इन मेनी अदर्स, ठीक है ना, किक बैक्स एंड ईच एंड एवरी थिंग्स। अपने मनपसंद लोगों को टेंडर इन्वाइट करना, वो करना, सो मेनी थिंग्स दे आर अंडर प्रोसेस इन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वो कर रही है, ठीक है ना। मैंने जो अपनी पोजिशन अप्राइज की है, फाइनली फिर मैंने जब इतना हो गया तो फिर मैंने डी जी नैब को लिखा, डी जी चेयरमैन नैब साहब को लिखा और डी जी एफ आई ए को लिखा। उन लोगों ने इनिशिएटिव किया, सब कुछ किया, उसके बाद ये बेल पे चले गए, ठीक है ना। 13 ऑफिसर्स वर कॉल बाय द कॉल अप नोटिस उनको मिला, फिर उसके बाद 20 ऑफिसर्स। ये लोग कह रहे हैं कि ये NICVD है, ये तकरीबन लाखों लोगों का मुफ्त इलाज करता है, गरीबों का इलाज करता है जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब नैब कार्रवाई नैब ने शुरू की, उसके बाद फिर ज़ाहिर गिरफ्तारियाँ होंगी अगर बेल ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से भी कन्फर्म नहीं होती, तो अगर अस्पताल को नुकसान पहुँचा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लोग तो आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। ठीक है सर, आप करप्शन करते रहे हैं, कोई आपको कहने का हक ही नहीं है क्या? आपको जो सैलरी मिल रही है या पर्क्स एंड प्रिविलेज मिल रही है और आपने एक्सेप्ट करके आ गए हैं, तो आप एक्स्ट्रा फिर गलत काम क्यों कर रहे हैं? आप इसको, हमें, हमारा काम है ना इसको रोकना, ठीक है ना। अगर गलत काम हो रहा है तो उसको हमने रोकना है। और दूसरी बात है कि लोगों का ये दोस्तों ने जो सबको ये माइंड में किया है कि डॉक्टर तारिक NICVD के ख़िलाफ़ है, दुश्मन है, फलाँ है, टीर है, हाउ इज़ पॉसिबल यार? मैं इतनी हाई कैटर पोजिशन छोड़ के आया था, बड़ी पोस्टें छोड़ के यहाँ NICVD को मैंने जब ज्वाइन किया था तो अच्छा इदारा था ना, ठीक है ना, और मेरी एक्सपर्टीज स्किल थी जो मैं यहाँ आया था, थ्रू अकॉर्डिंगली आया था। ऐसे थोड़ी है, ये गलत है, लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। क्यों निकाला आपको मुलाजमत से? क्यों निकाला? आपके खिलाफ़ FIR क्यों दर्ज हो रही है? देखिए सर, दिस इज़ अ रिवेंज ऑफ माई एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये जो मैंने वॉच डॉग एजेंसीज को लिखा था, उसके बाद इन लोगों ने रिवेंज शुरू कर दिया। अब आप बकौल आपके, आप कह रहे थे कि आपके साथ सुलह हो गई, सब कुछ हो गया, हर चीज़ हो गई, फिर मुझे गोस्ट मुलाजम क्यों डिक्लेयर किया? देखिए ये दिस इज़ अ फैक्ट ना। आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप दो दो इदारों में जॉब करते थे, बजाक वक्त दो दो इदारों से तनख्वाह लेते। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि देखें, मैं हाई कैडर पोजिशन पर रह के आया हूँ, मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, नीचे से ऊपर नहीं गया हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि मैं अगर दो दो जॉब लेता तो ऑन रिकॉर्ड कोई ना कोई तो सैलरी स्लिप होती ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई आप दो दो जगह पे जॉब कर रहे थे। भाई मैं तो 10 जॉब छोड़ के आपके पास आया हूँ यार, ठीक है ना। मैं तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी रहा हूँ 2005 से 7 तक, ठीक है ना। तो ये क्या बात है कि आप दो दो जॉब कर रहे हैं? दो दो जॉब कैसे कर सकते हैं यार? ऐसे गलत इल्ज़ाम तराशी करके कभी भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। सर, NICVD को नुकसान होता है, ज़ाहिर है मैनेजमेंट तब्दील हो जाती है, इनके खिलाफ़ केसेस बन रहे हैं, मज़ीद इनको परेशानी होती है, तो वहाँ लाखों लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है उसका नुकसान का कौन भरेगा? उसका फ़ायदा किसको होगा? ज़ाहिर प्राइवेट अस्पतालों को होगा। आपका कहने का मतलब है कि करप्ट माफिया करप्शन करती रहे और कोई कहने वाला ना हो, इसका मतलब यही है ना? कोई अगर सीट से हट जाता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम बंद हो जाता है? नो एंड नेवर, इससे अच्छे स्किल्स वाले आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि करप्शन भी करें और सर्विसेज भी दे दें, ये बात नहीं है। तो सर, करप्शन और बदनवानी की जड़ कौन था? ज़ाहिर एक आदमी नहीं है, क्या दर्जनों होंगे, कौन होंगे? सर ये पूरी माफिया है, अली बाबा 40 चोरों की टीम है यहाँ पर, अली बाबा 40 चोरों की टीम है जो ये करप्शन कर रही है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नेप कर रही है, आपके सामने आ जाएगा।
बहरहाल ये इंतहाई अहम सवाल आते हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, क्योंकि नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और उसके बाद बार बार अदालत ने नोटिस किया और इन अफसरान को कहा कि जाएं और जाकर नैब को तहकीकात में तावन करें, तहकीकात में जो भी दस्तावेजात हैं वो रखें, लेकिन वहाँ नैब के सामने जाने के बजाय ACVD के जो जितने डॉक्टर्स और इंतजामिया थी वो नहीं गई और सिंध हाई कोर्ट ने इनकी बेल रिकॉल कर ली है। डॉक्टर तारिक शेख के खिलाफ 3 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए थे, 1 केस में बरी हो चुके हैं, 2 केसेज अभी तक पेंडिंग है और डॉक्टर तारिक शेख ने अपनी मुलाजमत से जो बरतरफी है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है और आज भी इनका केस सिंध हाई कोर्ट में जेर समात है। इस हवाले से मजीद ये भी भुगत रहे हैं, ज़ाहिर है ACVD के जो इंतजामिया है वो भी भुगत रही है। मजीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करता रहूँगा, आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।